गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ आवर टैक्सोनॉमी चैप्टर्स आर गोइंग ऑन रेगुलरली। आई होप यू ऑल एंजॉयिंग द वीडियोज ऑफ एंटोमोलॉजी टैक्सोनॉमी। टुडे वी विल डिस्कस द ऑर्डर Diptera. Flies, gnats, midges, mosquitoes, and maggots. All these insects are included in this order. The order Diptera means Di means two or tera means wings, where a pair of wings or only two wings are present instead of two pair of wings, which is the characteristics of insects. This is only order in which two wings or one pair of wing is present. So this is called Diptera. What are the general characteristics of order Diptera? Head is large and free movable. Most of it is occupied by compound eyes, ocelli 3. Diptera के orders को आपने बहुत देखा होगा, हर जगह पे मिलने वाले ये insect हैं। घरेलू मक्खी, Drosophila, मच्छर, ये सब ऐसे इंसेक्ट हैं जो हर जगह पर बहुत आयत में मिलते हैं, इसलिए ये दूसरा बड़ा ऑर्डर है। पहला कोलियोप्टेरा के बारे में हमने बात की थी, दूसरा डिप्टेरा ऑर्डर है। ओनली मेसोथोरैक्स पेयर ऑफ विंग्स विद रिड्यूस्ड विनेशन आर प्रेजेंट। जबकि हम कहते थे मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर विंग्स मिलते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, मेसोथोरैक्स पर केवल विंग मिलते हैं और इनका विनेशन भी रिड्यूस्ड होता है। हाइंड विंग्स रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड टू हेल्टर्स। हेल्टर्स आर द स्टंपी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर माइन्यूटली नॉट ऑब्जर्व्ड एज यूजुअल। सामान्यतया देखने में नहीं आते हैं, बहुत छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनको हम बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह से कहते हैं, व्हिच आर प्रेजेंट ऑन मेटाथोरैक्स। माउथ पार्ट्स आर sectorial, usually forming a proboscis and sometimes adapted for piercing mandibles, rarely present. Labium usually distally expanded into a pair of fleshy lobes. Mouth parts हमने देखा है Diptera के अंदर दो प्रकार के mouth parts देखने को मिलते हैं, सामान्यतः piercing and sucking type के mosquitoes और स्पॉन्जिंग टाइप के जो है वो फ्लाइज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो इसी तरह का होता है जिसमें फ्लैशी लोब प्रेजेंट होते हैं। टार्स कॉमनली फाइव सेगमेंटेड, प्रोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स स्मॉल एंड फ्यूज्ड विद लार्ज मेजोथोरैक्स। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट, जहां भी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट की बात आती है होलोमेटामोलस हो गए। और इनकी क्या खास बात होगी, यहाँ पे एडल्ट होंगे, एग्स ले करेंगे, लार्वी होंगी, प्यूपा बनेगा, देन इट विल बी चेंज इनटू एडल्ट। ऑल दीज फॉर्म्स व्हेन प्रेजेंट दैट इज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलोमेटामोलस। देन लार्वी आज द एरोसी फॉर्म्स एंड एपोडस। जब हम लार्वीज की बात करेंगे तो वहां पर ये बात एम्ब्रियोलॉजी में बताएंगे। फ्रीक्वेंटली विद द हेड रिड्यूस्ड एंड रिट्रैक्टेड, ट्रेकियल सिस्टम वेरिएबल, मोस्ट ऑफन एम्फिनियोस्टिक, दोनों तरह का श्वसन, ये पानी में भी देखने को मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिल सकते हैं। प्यूपी आइदर फ्री और एनक्लोज्ड इन ए हार्डन लार्वल क्यूटिकल और प्यूपेरियम। Adacticus,
primitively obtact, but in higher forms accelerate type. Pupa जो होता है, तो larvae और pupa की types जो है वो हम embryology के अंदर बात करेंगे कि किस तरह के. सामान्यतया यहाँ पे हम ये बता दें कि एक hard shell या puparium होता है, कवच जिस तरह से कहते हैं, उसके अंदर pupa उपस्थित होता है. इसके आगे और भी characters की बात. Wing truncation reduced, wing venation जो है reduced type का है, छोटे विंग है. Special species are known in which are either nectar feeders, detritivores, हर तरह के यहाँ देखने को मिलेंगे. नेक्टर फीडर हो सकते हैं, फ्लावर्स के ऊपर देखे जा सकते हैं. डेट्रिओरस जो है सड़े गले पदार्थों के ऊपर आप देखने को मिले. 11-83 तरह के यहाँ होते हैं. सम ट्रांसमिट ह्यूमन डिजीज लाइक मलेरिया, मच्छर आप जानते हैं. स्लीपिंग सिकनेस आप जानते हैं. सप्लाई जो है एलिफेंटियसिस, येलो फीवर, काला आजार, ऑल दीज डिजीजेज आर स्प्रेडेड बाय दीज डिसऑर्डर मेंबर्स ऑफ डिसऑर्डर. Of helters large manifested multifaceted eyes, crag eye looking. इनके जब नेत्र देखेंगे तो ऊपर से ही देखने में जैसे लगता है तो बहुत सारे छोटे छोटे facets सामने दिखते हैं. The order Diptera comprises two main suborders, longhorn Nematocera and shorthorn Brachycera. तीसरा order और है, उसकी भी हम बात. Nematocera have long legs, long antennae, look fragile. Mosquitoes, gnats and midges इसमें शामिल होती हैं. While the Brachycera have stout bodies and short, stout antennae. Horse flies, house flies, robber flies and hover flies. All these flies are included in Brachycera. Many species are tiny, as in Nematocera. Short, stumpy antennae, Brachycera. One pair of wing, robust looking in Brachycera. सामान्यतया ज्यादातर में one pair of wing ही होते हैं, कुछ apterous form को अगर छोड़ दें. Life cycle complete metamorphosis है. Adult lay eggs, मैंने पहले ही बात की थी. Egg hatches into larvae, maggot or wrigglers. Larvae eat and grow and molt into pupa. Inside the pupal case, the pupa change into in form and in color and develop wings. The emerging adults look completely different from the larvae, definitely. Adults, all except few wingless species, have only one pair of membranous wings. Thus, the name Diptera, meaning two wings. The forewings are fully developed and functional, while the hind wings are reduced and knobbed, club called helters, which are difficult to see without magnification except for large specimens like the crane flies. They are the best flyers in the insect world and possibly beyond. They can hover fly backward and upward, down and turn onto the spot. Their eyes are usually large and multifaceted, जैसा ऊपर ही बताया था, with males usually having large eyes than females. Although many mimic bees and wasps, none have stingers. Stingers नहीं होते, लेकिन mimic करती हैं. उस तरह की shape इनकी होती है कि bees और wasps के जैसे दिखाई देती है, लेकिन actually usually hidden head at a small end, no legs, no prolax, predator, parasites, all these things are present. Unmein nahi hota predators or parasites, ye cheez nahi. Larvae, most are vermiform, worm-like, maggots with no lock, no legs, no prolax, no wings, no wing buds, and often lacking eyes and discernible heads. They are narrower at the head and broader at the rear. Mouth parts are reduced into hooks with which they bite. They are considered to have chewing mouth parts.
द लार्वे ऑफ मॉस्किटोज आर कॉल्ड रिगलर्स, मच्छर के लार्वा को रिगलर्स कहते हैं. दे आर एक्वेटिक एंड हैव ए डिस्टिंक्ट हेड, प्रोमिनेंट आईज एंड जॉज, दे कैन च्यू. पानी भरा जहां होता है वहां पे आप मच्छर का लार्वा देखिएगा, उसमें आपको ये सब चीजें समझ में आती है. ऑल डिप्टेरा हैव ए प्यूपल स्टेज ड्यूरिंग विच द एडल्ट विंग फॉर्म्स डेवलप्ड. सम प्यूपा आर इन सिल्कल कोकून्स, सिल्की कोकून हो उसके अंदर ये प्यूपा हो सकता है, वरना प्यूपेरियम जिसे हम कहते हैं वो यहाँ देखने को मिलता है. अदर रिमेन्स इनसाइड द हार्डन्ड लार्वल स्किन. When the adult emerges from the pupa, it has wings, is fully grown and fully developed, and looks completely different from the larva, obviously. Most species are predators or parasites of garden pests, important pollinators or vital members of the decay process of both plant and invertebrates. ये बात आप जानते हैं कि जहां भी सड़ागला होगा वहां मक्खियां भी बनाती हैं, जहां भी गंदगी होती है वहां मक्खियां भी बनाती हैं, और जैसे हम कहते हैं कि उसे डिके करने के काम में, उसका क्षय करने का काम इन्हीं का होता है. लेकिन उससे बीमारियां भी फैल सकती हैं, क्योंकि सारे सड़ागले पदार्थों के ऊपर वहां से बैक्टीरिया जर्म्स लेकर और ये ह्यूमन बॉडी तक, ह्यूमन तक पहुंचाती है. इसलिए ये बात ध्यान रखें. Damage to plants usually. Dead plant tissues and leaf miners, borers and wall makers. All these things are made up by the members of this order. Adults feed on liquid only, usually sugar in the form of nectar or honeydew, feces or blood, or do not feed at all. Their primary damage to people and livestock is as biting pests and as disease vectors. They carry malaria, yellow fever, dengue fever, and syphilitis and West Nile virus. Their mouth parts are varied and highly specialized. Some nematodes are adults, just mosquito ke andar, having stumping siphoning mouth parts, lower tip of both Brachycera adults, lower lips of most Brachycera adults is enlarged and sponging type. To yahan dono tarah ke mouth parts humne yahan pe bola, piercing and sucking type ke mouth part mosquitoes ke andar dekhne ko milte hain, और स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट्स ब्रैकिशेरा के अंदर देखने की बात कर रहे हैं. द कॉमन हाउस फ्लाइज एंड सर्टेन अदर फ्लाइज स्पिट ऑन देयर फूड टू लिक्विफाई इट. ये पहले भी हमने बात की, स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट है, सॉलिड सब्सटेंस है, मीठे के ऊपर, गुड़ चीनी आदि के ऊपर अगर ये मक्खियां बैठती हैं तो ये क्या करती हैं, वहां से स्पिट ऑन देयर फूड, वहां थोड़ा सा उल्टी करना जिसे हम कहें कि थोड़ा सा लार वहां निकालती हैं, फिर भोजन को लिक्विफाई करती हैं, देन स्पंज इट अप और उसको सक करती हैं स्पंज के माउथ पार्ट्स के ऊपर. अदर सच एज हॉर्स फ्लाइज एंड डियर फ्लाइज आल्सो हैव सीजर लाइक मैंडिबल्स, व्हाइल स्टिल अदर्स सच एज स्टेबल फ्लाइज आल्सो हैव टूथ माउथ पार्ट्स दैट कट द स्किन ऑफ देयर प्रे. No adult fly chew its food. Larvae, the maggots, have mouth hook that tear plant or animal tissue and is considered a chewing mouth part. Mosquitoes, regulars also chew their prey. Diptera is the second largest order of insects. And many eventually prove that largest as more species are discovered. The word fly in the common name is true dipterans, is spelled as two words,
fruit fly. While fly is the common name of the non-dipterans, is spelled as one word, butterfly, dragonfly, damselfly, etc. But true flies की जहां बात आती है वो केवल diptera के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ये बाद में common names के साथ में, ये दूसरे examples के साथ में, ये सब flies की बात। Large multifaceted eyes, ये eyes हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे one pair of wings, यहाँ one pair of wings दिखाई दे रहा है। One pair of halters, ये four wing के पीछे छोटा सा halter दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे robust looking brachycera, बड़ी सी देखने को मिल रही है। Short stumpy antennae in brachycera, बहुत छोटा सा antennae यहाँ देखने को मिलता है। Nematocera fragile looking, ये इस तरह से आपको मच्छर जो देखने को मिलते हैं। Many species are tiny nematocera, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो diptera बहुत बड़ा order है और coleoptera की बाद में ये दूसरा बड़ा order माना जाता है और इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं जो बहुत सारे पैरासाइट और प्रेडेटर्स की तरह से इस्तेमाल होती हैं और ये ह्यूमन बींग के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए इसके ऑर्डर्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सब ऑर्डर के करेक्टरिस्टिक के बारे में और इनकी फैमिलीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर diptera. Thank you very much.